नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को मन में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार मैट्रिक इंटर में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने पर जो है पास माना जाएगा। मैट्रिक में सोशल साइंस में जो है 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें जो है कितना मार्क्स लाने पर जो है पास माना जाएगा, और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में कितना लाने पर पास माना जाएगा। इंटर में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री या इंटरप्रेन्योरशिप 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें कितने लाने पर जो है पास माना जाएगा, और 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कितने लाने पर पास माना जाएगा। काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को मन में जो है एक कन्फ्यूज रहते हैं। तो आखिरकार जो है हमारे पास जो है नोटिस आ चुका है कि किस सब्जेक्ट में जो है कितना मार्क्स जो है आप लोग को 2021 के बोर्ड परीक्षा में लाना होगा, तभी जो है आप लोग को पास माना जाएगा। तो जानकारी को जो है डिटेल में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटे जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर। डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। 70 अंकों के विषय में 23 पास होने के लिए चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को देखिए, ये जो है CBSE का है, तो ये आपको माइंड नहीं रखना है कि ये CBSE बोर्ड का जो है ये न्यूज है। तो बिहार बोर्ड के लिए एवं ICSE बोर्ड एवं तीनों बोर्ड के लिए जो है ये मान्य है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मैं स्टेप बाई स्टेप जो है यहाँ पर मैं समझाता हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थी को इस बार दोहरा फायदा होगा। सिलेबस कम पढ़ना हो पड़ेगा, और अगर 100% प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो पूरे अंक भी मिल सकते हैं। देखिए यहाँ की बोर्ड ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि यहाँ पर जो है सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा, और अगर 100% प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो पूरे अंक भी मिल सकते हैं। कोरोना के कारण हर विषय में जो है 4 से 5 चैप्टर कम हो गए हैं, लेकिन परीक्षा पूरे अंकों के ली जाएगी। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप लोग को मैं पहले ही बता दिया कि CBSE बोर्ड ने जो है यहाँ पर 30% जो है सिलेबस में कटौती कर दिया है, और बिहार बोर्ड की माने तो बिहार बोर्ड ने यहाँ पर सिलेबस में कटौती कर दिया है। अभी तक जो है लिस्ट को जारी नहीं किया है कि कितने चैप्टर को जो है कटौती किया है, कौन कौन से चैप्टर को जो हटाया गया है, कौन कौन से जो है चैप्टर को जो है नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो बिहार बोर्ड ने अभी तक जो है नोटिस जारी नहीं किया है। CBSE बोर्ड ने जो है यहाँ पर सिलेबस कटौती करके जो यहाँ पर नोटिस को जारी भी कर दिया। बोर्ड की माने तो 70 अंकों के विषय में जो है पास करने के लिए 23 अंक चाहिए। जो विषय 80 अंकों के है उसमें पास करने के लिए जो है 26 अंक लाने होंगे। यानी कि जो आप लोगों का मैट्रिक में जो है साइंस, सोशल साइंस 80 अंक जो है एग्जाम होता है, तो उसमें जो है आप लोग को 26 अंक लाना पड़ेगा किसी भी हर हाल में। और जो 70 मार्क्स का जो होता है उसमें जो है आप लोग को 23 मार्क्स जो है किसी भी हर हाल में लाना पड़ेगा। बोर्ड की माने तो प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा जो 30 मार्क्स का होता है, इसमें जो है आप लोग जो है 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो है 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जो है आप लोग को 9 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा जो है आप लोग को फेल माने जाएंगे। अगर आप लोग को 9 मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे तो आपको जो है पास माना जाएगा। देखिए इससे छात्र पर सिलेबस पूरा करने का दबाव कम रहेगा। परीक्षा में उन चैप्टरों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में पास होना आसान कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में कोई भी छात्र छात्राओं जो है यहाँ पर फेल होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत आसान ही कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है कितनी, देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को होगा फायदा। हर विषय में 4 से 5 चैप्टर जो है यहाँ पर हो गए हैं कम। यहाँ पर देखिए अंकों का ऐसा हो रहेगा पैटर्न। देखिए यहाँ पर जो है 80 अंकों वाले विषय में जो 26 अंक लाना अनिवार्य है, 70 में आपको 23 लाना अनिवार्य है, 30 में जो है आपको 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 30 का जो है आप लोग को प्रैक्टिकल हो जाता है। इंटर में जो 70 का जो है आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप, और 80 मार्क्स जो है मैट्रिक में जो है सोशल साइंस, साइंस का जो है यहाँ पर एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी जो आप लोग को पास माना जाए। तो आज के वीडियो में तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।